नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के अनुसार इस राशि के लोग कभी नहीं मानते अपनी गलती। रिश्ता कोई भी हो, उसमें छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। ऐसे में अपनी गलती को मानकर उसके लिए माफी मांग लेना एक अच्छे आचरण की उदाहरण होती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलती होने के बाद भी उस पर बहस करते रहते हैं और किसी भी कीमत पर अपनी गलती नहीं मानते। दरअसल इसमें उन लोगों का अपना दोष नहीं होता, बल्कि ऐसा स्वभाव उनकी राशि के प्रभाव के कारण होता है। भारतीय ज्योतिष के मुताबिक चार ऐसी राशियां हैं जिनके जातक कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते हैं और न ही कभी खुद आगे से माफी मांगते हैं। तो आइए जानते हैं इन चार राशियों के बारे में। वृषभ राशि। इस राशि के जातक अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय ज्योतिष के मुताबिक पृथ्वी तत्व की राशि होने के चलते इनका स्वभाव काफी जिद्दी और बहस वाला होता है। अगर इन लोगों की किसी से बहस होती भी है तो यह उसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और खुद को सही साबित करने तक हार नहीं मानते। दरअसल इस राशि के जातक अपने विचारों को लेकर काफी स्पष्ट होते हैं, यही कारण है कि वह अपनी बात मनवा कर ही सांस लेते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक खुद को ऐसा शख्स मानते हैं जो हर चीज को ठीक कर सकता है, इसलिए वह कभी इस चीज को समझ नहीं पाते कि वह कुछ गलत कर रहे हैं। अगर यह किसी काम को गलत कर भी दें तो ये उसे ये कहकर टाल देते हैं कि इसके पीछे भी कोई सही वजह है। यही कारण होता है कि ये लोग किसी से माफी नहीं मांगते। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग गलती पर कभी भी माफी नहीं मांगते। इनका स्वभाव बहुत ही अलग होता है। इनका स्वभाव अक्सर दूसरों की निंदा का पात्र बनता है। ये लोग कभी भी अपनी गलती पर माफी नहीं मांगते, यहां तक कि ये कभी अपनी गलती नहीं मानते। यह काफी षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति वाले होते हैं, यहां तक कि यह खुद को साबित करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अपनी गलती के बावजूद यह उसे बातों से संभाल लेते हैं। अब आखिरी राशि है मित्रों, कुंभ राशि। इस राशि के जातकों के लोगों से माफी मिलने की उम्मीद रखना बेवकूफी है। यह लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। इन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए आपको बातों बातों में उन्हें बतानी पड़ती है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह किसी से माफी मांगेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।